सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 113। एक वृत्त लगाओ जो रेखा ए बी के बाहर ज्ञात बिंदु Q और रेखा ए बी को बिंदु P पर स्पर्श करें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए बी रेखा है दी हुई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ए बी रेखा ले लेते हैं जो हमें दिया है, ये हमने ए बी रेखा ले ली है। ये पॉइंट हमारा है ए, ये पॉइंट हमारा है बी। अब ये कह रहा है कि ए बी रेखा पर पॉइंट है पी, तो हम यहाँ पे इसमें पॉइंट ले लेते हैं पी। और ए बी रेखा के बाहर बिंदु ज्ञात बिंदु है क्यू, तो ये मान के चलिए हमने यहाँ पे जो है वो क्यू बिंदु ले लिया है, ये आपका क्यू बिंदु है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास पी पॉइंट है इसके ऊपर हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे। 90 डिग्री का कोण आपको आता ही है बनाना, तो जल्दी से फटाफट से हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। आपने इसकी परिभाषाएं याद करनी है, और जब आपको परिभाषाएं याद होगी तो आपको वृत्त के जितने भी आपके प्रश्न हैं वो हल करने थोड़े आसान आपको हो जाएंगे। तो आपके फायदे के लिए है कि आप इसकी परिभाषाएं याद करते रहिए, जो जो भी इसमें परिभाषाएं आपको दी हुई है वो सब आप याद करिए। इस तरह से ये हमारा 90 डिग्री का कोण अब बन गया है। हम यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देंगे। इस तरह से वो हमने क्या करना है, जो आपका P पॉइंट है और Q पॉइंट है इनको भी हमने आपस में डॉटेड मिला देना। आपने इसी तरह से बिल्कुल लेना, आपका प्रश्न बिल्कुल सही आएगा ये इस तरह से। आपने ये रेखा मिला देनी है, P Q पॉइंट को मिला देना, जो रेखा आएगी आपके पास ये रेखा आ रही है PQ, इसका हमने समद्विभाजन कर देना है, मतलब कि दो समान भागों में आपने इस रेखा को काट देना है इस तरह से। तो हम कैसे इसके दो समान भाग कर सकते हैं, सबसे पहले हमने आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के P से चाप लगा दी और हम जो है वो Q से चाप लगाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से वही चापे लग चुकी है और हमने इन चापों को आपस में मिला देना है। इस तरह से हम इन चापों को डॉटेड मिला देंगे। जहां पे ये आपकी समद्विभाजन वाली रेखा 90 डिग्री की रेखा को काट रहा है, यहां पर ये पॉइंट आपका आ गया है ओ। अब आपने क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार रखनी है, या तो आपने क्यू जितनी प्रकार खोलनी है आप देख सकते हैं, या आपने यहाँ से पी जितनी खोलनी, ये बिल्कुल बराबर होगी दोनों जगह से। अब किधर को भी खोल सकते हैं, क्यू से ओ से क्यू जितनी या ओ से पी जितनी, और ये देखिए आप बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल ये है। और ये आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, ये आपका बन के तैयार हो। अगला हमारा प्रश्न है 114। एक वृत्त खींचो जो ज्ञात रेखा ए बी को स्पर्श करें और रेखा के बाहर सी डी बिंदुओं से गुजरे, जबकि बिंदु सी डी रेखा के समानांतर है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक ए बी रेखा दी हुई है, पहले हम ए बी रेखा ले लेते हैं। ये हमें दी है ए बी रेखा, ए और बी। अब ये कह रहा है कि ए बी रेखा के बाहर दो बिंदु दिए हुए हैं,
ये आप ले लीजिए सी और डी। अब ये कह रहा है कि ये दोनों बिंदु ए बी रेखा के समानांतर है, तो हमने भी इनको ए बी रेखा के बिल्कुल समानांतर ही लेना है। इस तरह से जैसे डी बिंदु हमारा थोड़ा ऊपर है, हम इसको नीचे ले लेंगे क्योंकि हमें कहा है कि समानांतर ही लेना है, तो इनको समानांतर ही ले लेते हैं। तो ये और हम इनको यहाँ पे डॉटेड मिला भी दे देते हैं इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से ये हमारी समांतर रेखा आ गई ना। इस तरह से इसने कहा था कि समानांतर है ये दोनों, तो इसका नाम हम दे देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे डी। अब हमने क्या करना है, जो आपकी सी और डी एक रेखा आ गई है, इसका हमने समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन आपको आता है, बताने की जरूरत नहीं है, आधे से ज्यादा प्रकार खोल के आप एक पॉइंट से पहले चाप लगा दीजिए, जैसे हमने यहाँ डी से चाप लगाई है। और अब हम जो है वो उतनी प्रकार को हम ज्यादा कम नहीं करेंगे, उतनी प्रकार खोल के हमने सी से भी हमने चाप लगा देनी है इस तरह से। सी से डी से फिर हम ये थोड़ी चाप हमें कम लगे लगा देंगे और अब हम इसको मिला देंगे। इन चापों को मिला देते हैं यहाँ पे, इस तरह से। अब ये जो आपकी लाइन आ रही है सी डी के समद्विभाजन वाली रेखा, ये ए बी रेखा पे जहां कट रही है, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे ई। ये आपने पहले नहीं लेना, यदि आप बुक में देख रहे हैं, प्रश्न आपके स्क्रीन में है, ये नंबर पहले नहीं आया। ई कैसे आया, जब आपने सी और डी रेखा का समद्विभाजन किया, पहले तो दो पॉइंट लिए सी और डी आपने, फिर इनको मिला दिया, तब ये रेखा आई है, फिर आपने इसका समद्विभाजन किया। समद्विभाजन वाली रेखा जो बी ए बी रेखा पे कट रही है यहाँ पे, तब आपका ई पॉइंट आया। अब आपने क्या करना है, ई पॉइंट से आपने सी को मिला देना है यहाँ से डॉटेड। अब यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप सी पे मिलाओ चाहे डी पे मिलाओ, क्योंकि बराबर है, यहाँ से इतना इतना ही है, तो इधर को मिलाओ चाहे इधर को मिलाओ, ई गलत आपका नहीं होगा। इसमें भी आपने क्या करना, जो आपका ये ई और सी रेखा आ रही है, ये ई सी रेखा है, इसका भी आपने समद्विभाजन कर देना। इस तरह से इसका समद्विभाजन हो गया है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी समद्विभाजन वाली जो चापाएं आपकी आ रही है, इन चापों को आपने आपस में डॉटेड मिला, इस तरह से हम इनको मिला देंगे। जहां पे ये कट रही है ए बी रेखा, जो आपका ये सी डी रेखा का समद्विभाजन वाली जो रेखा है, यहाँ पे ए बी रेखा पे जो ये लंबे गिरा था यहाँ पे, ये जहां पे कट रही है आपस में यहाँ पे, ये पॉइंट आपका आ गया ओ। इस पॉइंट का नाम ओ दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार रखो। अब या तो आप सी जितनी प्रकार खोल दो, या आप डी जितनी प्रकार खोल दो, या आप ई जितनी प्रकार, जितनी मर्जी प्रकार खोलो, यहाँ से अब आपने सर्कल लगाना। अब हम इसमें सर्कल लगा देंगे यहाँ से, इस तरह से ये हमारा सर्कल बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर है 114।